वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ दुबिंदुस एकेडमी। टुडे वी स्टार्ट क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर सिक्स। आज हम चैप्टर सिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर सिक्स है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपके चैप्टर का नेम है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे जो बेसिक चीज है उसको हमको देखना है पहले, कि जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। कैसे किसी एल्जेब्रिक को हम डिफाइन करते हैं या शो करते हैं, उसको कहते क्या है, ठीक है। किस टाइप का वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सब चीजें हमको बेसिक चीजें हमको देखनी है। तो इसमें देखिए पहले है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। क्या होता है कांस्टेंट और क्या होता है वेरिएबल, देखिए स्टूडेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। जो वैल्यू फिक्स होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही कांस्टेंट है, ठीक है। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वही कांस्टेंट होता है। और सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट किसको कहते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। अ सिंबल, ऐसा सिंबल जिसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स्ड है, उसमें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो क्या है, कांस्टेंट है। एंड वेरिएबल, अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल जो है जिस सिंबल में डिफरेंट वैल्यू होते हैं, वैल्यू चेंजेबल होते हैं, तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल। तो अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल्स वैल्यू, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरियस में बहुत सारे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकते हैं, तो ये वेरिएबल है। अब देखिए नेक्स्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जो एक्सप्रेशन है वो वेरियस टाइप है, एक्सप्रेशंस देखिए कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशन में सबसे पहले है मोनोमियल, मोनोमियल। देखिए मोनोमियल जैसा कि आप वर्ड से ही समझिए, मोनो मीन्स क्या होता है, वन, M-O-N-O, mono means one. तो one का मतलब an algebraic expression which contains only one term, जिसमें कि ऐसा algebraic expression जिसमें कि केवल one term, एक term, तो वो है monomial। एग्जाम्पल जैसे 5x, एग्जाम्पल जैसे कि 5x, 2xy, 9y, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोमियल। इसमें आपको एक ही 5x मिलेगा या 2xy मिले या 9 मिले या -7, ठीक है ना, या ओनली ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, आपको केवल ये एक ही मिल रहा है, ये केवल ये भी जब प्लस करके एक और होता तो बाइनियम होता। देखिए सेकंड है बाइनोमियल कंटेन्स
टू टर्न. एग्जाम्पल, बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं. बाई, बाई का मतलब टू, ठीक है, बाई का मतलब टू. तो बाइनोमियल मीन्स टू टर्म. और इसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे टू ए प्लस थ्री बी, ठीक है, टू ए प्लस थ्री बी. देखिए यहां पे टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स जो है वह बाइनोमियल एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ये भी टू टर्म्स हो गए, है ना. तो इस तरह से ये आपका बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल जिसमें कि टू टर्म्स है ए एंड बी, एक्स एंड वाई, ठीक है. नेक्स्ट है ट्राइनोमियल. ट्राई नोमियल अकॉर्डिंग टू वर्ड, जैसा कि वर्ड है टी आर आई ट्राई नोमियल. ट्राई मतलब थ्री, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, थ्री थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स का मतलब इसमें तीन टर्म होंगे, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहां पे टर्म से मतलब है, टर्म का मतलब ए बी और सी, थ्री टर्म है, ठीक है. इसी तरह टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड, इसमें भी थ्री टर्म है, एक टर्म x, एक टर्म y और एक टर्म z, 2x plus 2y minus 3z, ठीक है. तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया. फिर है क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल 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 में फोर टर्म्स होते हैं, फोर टर्म्स. क्वाड्री, क्वाड्री मीन्स क्या होता है, फोर, ठीक है ना. क्वाड्री मीन्स फोर, तो फोर टर्म्स. एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल आपका एक टर्म और बढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड, एंड इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं, ठीक है. जैसे कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस फाइव, देख रहे हैं यहां पे, ये फोर टर्म्स हो गए ना, वन टू थ्री एंड फोर, फोर टर्म्स हो गए. तो ये क्वाड्री आपका क्वाड्रिनोमियल्स. इसी तरह से आप ये फाइव अगर हटा दीजिए, प्लस एक्स वाई जेड, ये भी क्या हो गया, फोर टर्म्स, वन टू थ्री एंड दिस फोर, ठीक है. तो फोर टर्म्स क्वाड्रिनोमियल. पॉलीनोमियल्स एक होता है पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल में स्टूडेंट एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलीनोमियल. कंटेनिंग टू और मोर, ठीक है, टू और मोर टर्म्स. दो या दो से अधिक टर्म होंगे तो पॉलीनोमियल. जैसे कि ये ट्राइनोमियल को पॉलीनोमियल वी कैन से दैट, क्वाड्रिनोमियल को भी वी कैन से दैट पॉलीनोमियल, ठीक है. दो या दो से अधिक टर्म रहेंगे तो हम पॉलीनोमियल भी कह सकते हैं, ओके. अब इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज में कुछ मैं बता दूं आपको. So students, continue with exercise 6A. First question, add the following. First question है आपका add. Question है, monomials दिए हुए हैं, 5x, 7x, minus 6x, ठीक है. अब इसको क्या करना है, add करना है.
देखिए कैसे, मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ। देखिए पहले हम क्या करेंगे, 5x एंड 7x इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि ये नंबर माइनस में है, तो हमने इसको प्लस कर लिया, ये आ गया 12x। ठीक है, अब 12x माइनस 6x, 12 में से 6 किया 6, ये आपका आंसर आ गया। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, और एक मेथड आप ये देख लीजिए, अदर मेथड हम क्या लिखेंगे, 5x ऐड करना है प्लस की साइन, 7x प्लस माइनस 6x ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 6x, देन 5x प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 6x। ठीक है, यहाँ जब ब्रैकेट आप रिमूव करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस। अब देखिए 7 और 5 12x माइनस 6x दैट इज 12 में से 6x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एंड बाय दिस मेथड भी कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो प्लस में आपका नंबर है, ठीक है, तो प्लस वाला हम अलग प्लस कर लेते हैं, चाहे जितना भी नंबर हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं वो प्लस में कर लेते हैं, और जो माइनस वाले हैं वो फिर बाद में कर लेते हैं माइनस। और इसमें आपको ऐसे करना है, तो ये आपने देखा। सेकंड आप देखिए इसमें ना, सेकंड इसमें देखिए 3/5 3/5x देन 2/3x प्लस 2/3x पहले मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन -4/5x -4/5x राइट। अब इसको आपको ऐड करना है, ऐड करिए, हम क्या लिखेंगे, x को ऊपर लिखेंगे 3x/5 + 2/3 और ये आपका प्लस माइनस में है, तो आप इसको ब्रैकेट में करिएगा -4x/5 आफ्टर दैट ब्रैकेट रिमूव करना है 3x/5 + 2x/3 ± एंड देन 4x/5 एलसीएम लीजिए 15 आएगा, ओके 5 3 = 15, ठीक है 5 3 = 15 3 बार भी जाएगा 5 3 = 15 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 3 = 9 9x + 3 5 = 15 5 बार जा रहा है और 5 2 = 10 माइनस का साइन यहाँ पे 5 3 = 15 3 बार भी जा रहा है ना एंड 3 4 = 12 ये हो गया आपका 12 देन देखिए ये नंबर पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो जो पॉजिटिव में है उसको पहले प्लस कर लीजिए, क्या होगा 9 + 10 = 19x, ठीक है, और जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन ये होता है वो सेम वेरिएबल में होता है, ऐसा नहीं कि 9x + 10y x के साथ x ही प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, और y के साथ y वाला ही माइनस या प्लस होगा। तो देखिए यहां पे माइनस सीधे सीयर 12x
then 19 minus 12 7 7x ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो बाय दिस मेथड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो आप इसको करिएगा. सब्सट्रैक्शन का मैं एक क्वेश्चन बता दूं, टू में क्या है सब्ट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट में देखिए फर्स्ट माइनस एट एक्स वाई फ्रॉम सेवन एक्स वाई, माइनस एट एक्स वाई फ्रॉम सेवन एक्स वाई. ठीक है, माइनस एट एक्स वाई फ्रॉम सेवन एक्स वाई. अब देखिए यहां पे सब्सट्रैक्शन में इसके पहले भी जो इंटीजर्स के सब्सट्रैक्शन थे उसमें आपको बताया गया था कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं. ठीक है, और वही फॉर्मूला यहां भी है, आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे, किसमें सब्सट्रैक्शन जब करना होगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम के बाद नंबर क्या है सेवन एक्स वाई, हम लिखेंगे सेवन एक्स वाई. ठीक है, वी राइट फर्स्ट सेवन एक्स वाई, क्या करना है सब्सट्रैक्शन, सेकेंड नंबर माइनस में है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो भी नंबर माइनस में होते हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं. नाउ सी दिस हियर, और मैंने बताया था सेम वेरिएबल में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, यहां पे वेरिएबल एक्स वाई एंड एक्स वाई. ठीक है ना, तो एडिशन में सब्सट्रैक्शन में वेरिएबल सेम रहेगा, या तो दोनों एक्स वाई हो या दोनों केवल एक्स हो या दोनों वाई हो, इस तरह से. अब देखिए हमको ब्रैकेट रिमूव करना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, देन एक्स वाई. अब क्या करेंगे, सेवन प्लस एट कितना होता है फिफ्टीन एक्स वाई. ठीक है, ये आपका हो गया आंसर. तो सब्सट्रैक्शन करते समय हमको ये ध्यान देना है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन का माइनस लगा के और ये नंबर, ये सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये आपने चैप्टर देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. ठीक है, जो टर्म्स है उसको भी देखे आपने एंड एक्सरसाइज में भी मैंने बता दिया. ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो.